खबर शामिल करते हैं टंडोला यार से, जहां सोच सवार ने इस पर उतरने के सबब सिंध भर की तरह टंडोला यार में हीट स्ट्रोक में इजाफा होने के सबब और हमारे पुलिस जवानों समेत आवाम को हीट स्ट्रोक में मुब्तला हुआ देखकर इंसानियत के नाते हमने टंडोला यार सिटी में ठंडे पानी के कैंप का इनेकाद किया है, जिसका मकसद आवाम को इस शदीद गर्मी से बचाना मकसूद है। हर बाशऊर इंसान को इसी हीट स्ट्रोक से इंसानों और चरिंद व परिंदों को बचाने के लिए सिविल कैंप का इनेकाद किया जाए। आवाम के लिए और जानवरों के लिए अपने घरों और दरवाजों पर किसी बर्तन में पानी रखकर जानों को भी बचाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। SSP यार अब्रेज अली अब्बासी ने मददगार पुलिस और ट्रैफिक के मावनत से DSP सिटी और SHO सिटी की काबिशों से लगाए जाने वाले सिविल कैंप का इफ्तिताह करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा मौसमियात की जानिब से ही CVO के इंतबाह के बाद हमने अपने शहरियों समेत अपने पुलिस एहलकारों को इस मर्ज से बचाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ठंडे पानी के सिविल के कैंप लगाने का जो उसूली फैसला किया। आज अपने जवानों की मदद से शहर में ठंडे और मीठे पानी के सिविल के कैंप लगा दिए गए हैं। जिला में फौरी तौर पर हीट स्ट्रोक सेंटर कायम किए जाए ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। शहर में शदीद गर्मी 46 सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत पर शहरी बेहाल हो चुके हैं, जबकि शहर में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर टंडोला यार को आगाही फराहम करूंगा और बिजली लोड शेडिंग कम कराने के लिए कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि आज हमारे PC पुलिस एहलकार हीट स्ट्रोक के सबब सलमान अब्बासी हीट स्ट्रोक का शिकार होने की इत्तला मिली है। इसके अलावा शहरियों के बेहोश होने के साथ साथ हीट स्ट्रोक का शिकार हुए हैं। इस मौके पर DSP सिटी मोहम्मद इस्पान लगारी, SHO सिटी मजहर मेहंदी मददगार इंचार्ज हामिद अढ़ोडो, ट्रैफिक इंचार्ज जुल्फिकार मंगरियो भी मौजूद थे।